परेशानी अब आप लोगों का भी कम हो। अपन फोर्स आ गया हो विद्या के मंदिर में जो बच्चे हैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, वहां पर 7.6% लोग दलित और मुसलमान करते हैं जो गरीब का बच्चा है। अन्य लोग हैं वो ऊंची जाकर अन्य लोगों के बच्चे हैं जिसके बच्चे वहां पढ़ते हैं और वो भारत के समाज को विचारों को लाल बहादुर शास्त्री वहां बैठे थे, वहां देश के बड़े बड़े विभूति जाया करते थे, बजट वहां किस पर बहस होती थी। लेकिन आपको जेएनयू के विचारों पर जामिया में 42% लोग हिंदू पढ़ते हैं जो भारत के निर्माण के लिए लोग अच्छे काम करते हैं। याद करें मोदी जी, ये आरएसएस कौन है? ये वो लोग हैं जब भारत की संस्कृति और तहजीब सर्वधर्म संभव और मूल्यों पर जीने के लिए एक विचार दुनिया की ओर बढ़ रहा था गांधी के विचार और रचना के रूप में, तो आरएसएस ने गोडसे के द्वारा भारत के विचारों को गोली मार करके खत्म कर दिया था। वो फिर से आज जामिया में जिस दिन पप्पू यादव तीसरे दिन गेट के बाहर बेटी चिल्ला रही थी कोई बचाओ, मुसलमान ही नहीं थी लगभग अच्छे थे और अपने भाइयों को चारों तरफ से घेरे हुआ था, जल जालिया वाला बाग और झंडा दान से भी बीमार स्थिति थी, ताला लगा हुआ था, 1400 फोर्स भीतर थे, बच्चे लाइब्रेरी में चल रहे थे, आंसू गैस चल रहा था, बच्चे अपने भाइयों को बचाने के लिए घेरा लगा के रहा था हिंदी छात्र बाबा। और उसके बाद सीआरपी के सामने आरएसएस के लोग मार गए, हाथ में धूल लेकर के गुंडों ने बच्चियों को और बच्चों को हमला कर दिया। शहर में छप्पन से लड़ रहा और मेरी सरकार कभी रैली नहीं दी थी, चालीस हजार कम से कम देने लगेगा और अस्थायी होगा, कोई योगी की तुलसा पीड़ा नहीं होगी और एक साल तक मैं रोजगार होगी, तीसरे साल किसी भी सब से अपने करने देने के सुनवाई बढ़ाएगा और दूसरी तरह का सामान एमएलए के हिस्सा होगा। जिस दिन मैं बदल देता हूँ दिल से खुदा हाफिज है थोड़ा सर, आप अपमानित महसूस कर रहे हैं मेरे साथ और मैं पहले दिन जामिया में मैंने कहा था ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों के बीच की नहीं है। मोदी जी आप हमें बताओ अपने वतन से कोई वजूद नहीं आता तक मैं नफरत करता हूं, छह साल के अंदर आपने क्या किया इस मुल्क को सिवाय डर सिवाय नफरत सिवाय भय सिवाय आतंक और सिवाय अभाव के? आप हमें बताइए क्या मिला? कोई एक ऐसी चीज मोदी जी ने बताओ कि नफरत डर भय आतंक और अभाव के अलावा छह साल के अंदर इस मुल्क को कुछ मिला हो? इन